हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूजन यूट्यूबर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टी ट्री ऑयल के कुछ यूजेस एंड उसके बेनिफिट्स और उसे किस तरीके से हम यूज करें अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग एक्ने, बिकॉज वो बहुत कॉमन यूज है टी ट्री ऑयल का। सो उसके अलावा हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं और किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जिससे हमारी जो स्किन है, हेयर है, हेल्थ है या नेल हेल्थ है वो अच्छी हो जाए। तो लेट्स सी इसके यूजेज या बेनिफिट्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो टी ट्री ऑयल है वो एक एसेंशियल ऑयल है और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के करके हम इसे अपने इन्फेक्शंस में, कोल्ड में, कफ में और बैक्टीरिया को किल करने में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैमेज हेयर के ट्रीटमेंट से, और इसके लिए हमें चाहिए नॉन स्टिकी कोकोनट ऑयल और वो चाहिए हमें 2 चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर तो फ्रेश एलोवेरा जेल है देन बेस्ट है, अगर नहीं है तो हम अपना मार्केट बेस भी लेंगे। इसमें मैंने 3 to 4 drops डाले हैं टी ट्री ऑयल के और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने हेयर्स पे लगा लेंगे। हेयर्स पे लगाने के लिए सबसे पहले तो हेयर्स को अच्छे से कॉम करके, पार्टीशन करके इसे प्रॉपर हेड पे एंड अपने रूट्स पे और टिप्स पे लगा लेना है। हेयर ऑयलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है शैम्पू, एंड उसमें टी ट्री का यूज़ कर रहे हैं डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। इसके लिए हमें अपने बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू लेना है एंड उसमें 2 to 3 drops टी ट्री ऑयल की मिक्स करके हमारे हेयर्स को शैम्पू कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारी जो स्किन है उसे नरिश करता है, उसको हमने यूज़ कैसे करना है। एक बाउल में हमने 1 spoon लेना है कोकोनट ऑयल। इसके लिए हमने प्योर कोकोनट ऑयल लेना है, अदरवाइज हमारी स्किन पे हार्म हो जाएगा। अब इसमें हमने 2 to 3 drops डालनी है ये टी ट्री ऑयल की और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने अपने फेस पे लगाना है एंड अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशंस में फेस पे मसाज करनी है 4, 5 to 7 minutes। एज मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, तो इसलिए ये हैंड सैनिटाइजर के लिए बेस्ट है और ये नेचुरल हैंड सैनिटाइजर है। इसके लिए करना क्या है, एक बाउल में 1 spoon एलोवेरा जेल लेना है एंड उसमें 4 to 5 drops डालनी है टी ट्री ऑयल की और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने किसी साफ़ कंटेनर में डाल के स्टोर करके रख लेना है और जब भी हमें ज़रूरत हो हम इसे एज ए हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। अभी समर्स में बहुत सारे लोगों को स्मेली फुट वाली प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये हैक उनके लिए है। एक बाल्टी में हमने पानी लेना है, उसमें हैंडफुल हमने डालना है फिटकरी पाउडर और इसमें डालना है 10 से 15 drops डालनी है टी ट्री ऑयल की और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हमने हमारे जो पैर हैं वो डुबो के 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाना है। ऐसा डेली करने से हमारे स्मेली फुट की प्रॉब्लम जो है वो चली जाएगी। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ टी ट्री ऑयल। आई होप इसमें से कुछ आपको भी यूजफुल मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।